अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी खैर वाफिर से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा इन पेज की क्लासेस चल रही हैं और आज हम अपने इन पेज की क्लास नंबर 5 का आगाज़ करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हम इन पेज के अंदर अपने पेज को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, पेज को बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं और हम उसमें अपनी लिखी हुई इबारत को किस तरह कलर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर इन पेज की तरफ। तो दोस्तों, ये हमने अपना इन पेज का सॉफ्टवेयर ओपन किया। सबसे पहले हम न्यू फाइल बनाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ आ गई, इसको हम ओके करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक इन पेज का नया पेज ओपन हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले अपना फॉन्ट, अपनी लिखाई को बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, जो अपने कंप्यूटर से, अपने कीबोर्ड से हम कंट्रोल ए करेंगे तो फिर भी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से इसको कोई भी फॉन्ट दे लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं डेली टीवी। ये देखें दोस्तों, ये तो हमने इबारत लिखी है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने पेज को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, पेज की डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ टूल्स की बात करेंगे, जो कि आपको ये राइट साइड पे ये सारे टूल्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम टूल्स बोलते हैं। ये एरो का निशान और ये हाथ का निशान और नीचे इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इन दो टूल्स की बात करेंगे, एक ये एरो टूल और एक जो नीचे आपको हाथ का यानी हैंड का निशान नज़र आ रहा है। दोस्तों, एक चीज़ को याद रखिएगा कि जो ये एरो का निशान है, जब हम एरो के निशान पे क्लिक करेंगे तो फिर हम डिज़ाइनिंग मोड में आ जाएंगे। उस टाइम हम अपने पेज की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हम फिर उस टाइम हम कुछ लिख नहीं सकते पेज के अंदर, कुछ टाइप नहीं कर सकते, बल्कि हम सिर्फ अपने पेज की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और जब हम हाथ के निशान पे क्लिक करते हैं तो फिर हम इसको राइटिंग मोड में हम आ जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने नोट किया होगा कि जैसे हम एरो के निशान के ऊपर क्लिक करते हैं तो बहुत सारी ऊपर एरोज़ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, यानी कि पेज डिज़ाइन करने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओपन हो जाती हैं, साथ ही प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। अब मैं हैंड के निशान पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर सारी हमारी जो है एडिट, टेक्स्ट एडिट की प्रॉपर्टीज़ आ गई। और जब मैं हैंड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें दोस्तों, ये ऊपर पेज डिज़ाइन की प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले पेज छोटा करता हूँ, जी मैंने इसको छोटा कर लिया। अब देखो दोस्तों, मैंने एरो पे क्लिक किया लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे कुछ लिख नहीं पा रहे पेज के अंदर, वो इस वजह से क्योंकि हम डिज़ाइनिंग मोड में हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस ऑप्शन की। ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये यूज़ होती है पेज को रोटेट करने के लिए या टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए, बट अभी हम कंपोजिंग के मोड में नहीं हैं, अभी हम डिज़ाइनिंग के मोड में हैं, इस वजह से ये ऑप्शन काम नहीं करेगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये ऑप्शन आती है, ये ऑप्शन है हमारे पेज पे बैकग्राउंड के लिए। ये देखें दोस्तों, ये मुख्तलिफ नीचे डिज़ाइन है जो हम अपने पेज पे इफेक्ट लगाना चाहते हैं वो हम इस पर लगा सकते हैं। जैसे दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वाटरमार्क की ऑप्शन यूज़ करते हैं, ये सेम उसी ही तरह है के काम करेगी, लेकिन उसमें जस्ट ये होता है कि हम टेक्स्ट लिखते हैं, इसमें ये डिज़ाइन है वाटरमार्क, ठीक है दोस्तों, ये है इसमें। उसके बाद ये ऑप्शन हम देखते हैं, ये देखें दोस्तों, ये बॉर्डर, ये हम बॉर्डर लगाने के लिए ऑप्शन यूज़ करते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर्स हैं। अगर हम चाहते हैं अपने बॉर्डर्स की जो है वो मोटाई को थोड़ा बड़ा करना तो हम यहाँ पे 10 करते हैं, ये देखो दोस्तों, इसको मैंने 10 कर दिया, ये मेरे पेज की, ये देखें दोस्तों, ये सारे बॉर्डर्स ऑप्शंस
काम कर रही हैं। ये देखें दोस्तों, ये सारे बॉर्डर्स जितने भी इंच दिए गए हैं, हम अपनी मर्जी से कोई भी बॉर्डर जहाँ पे है हम यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये नीचे मैंने आपको बता दिया कि बॉर्डर की मोटाई को कम या ज़्यादा करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे 15 करता हूँ। देखें दोस्तों, ये सारी बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, बॉर्डर कैसे लगाया जाता है और बॉर्डर को कैसे उसकी मोटाई को कम या ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, ये जो ऑप्शन है ये हम बॉर्डर्स को मुख्तलिफ कलर देने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमने जो अपने बॉर्डर को कलर दिया है वो चेंज हो जाए तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके नीचे जो ऑप्शन है दोस्तों, ये यूज़ होती है हम अपने पेज को बैकग्राउंड कलर देने से। अगर हमने अपने पेज को बैकग्राउंड कलर देना हो तो ये देखें दोस्तों, ये हम अपने पेज को कोई भी बैकग्राउंड कलर जो है अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ये देखें, बैकग्राउंड कलर देने के बाद अगर मैं इसको इसका मैं बॉर्डर कलर चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी पॉसिबल है। ये देखें दोस्तों, ये मैं इसको ब्लैक दे रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने रेड दे दिया। मैं इसको यहाँ से ब्लू कलर देता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह हम अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपने बॉर्डर को भी दोबारा चेंज कर सकते हैं, जितनी बारी अब आप चाहो आप इसको चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड को भी हम सिंपल जिस तरह से हम चाहते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो ऑप्शन है ये यूज़ होती है कॉलम्स के लिए, क्योंकि अगर हमें अपने पेज में एक से ज़्यादा कॉलम चाहिए तो हम वो उसको दे सकते हैं, लेकिन अभी हम डिज़ाइनिंग मोड में हैं तो अभी ऑप्शन काम नहीं करेगी। बाकी ये जो ऑप्शन दोस्तों, ये रेक्टेंगल के लिए यूज़ होती हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि हम जो है वो रेक्टेंगल पे किस तरह काम कर सकते हैं और उसकी जो है हम किस तरह हम उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तो मैंने आपको ये बताया कि हम पेज को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और पेज को हम कैसे मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं, उसको बॉर्डर लगा सकते हैं, उसको बैकग्राउंड किस तरह से हम दे सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तो हमने पेज को 50% किया है, अब हम पेज को वापस करते हैं तो हम एक्चुअल करते हैं, एक्चुअल F7। एक्चुअल F7 में हमें इस तरह कुछ पेज नज़र आएगा। और अगर आप चाहते हो कि हमने इसको दोबारा छोटा करना है, 50% करना है, F6, ठीक है दोस्तों, ये देखें, अगर उससे बड़ा आप करना चाहें 200% वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन 50% करने पे ये होता है कि हम अपने पेज को पूरा देख सकते हैं, नज़र आ रहा होता है हम पेज पे क्या हमारे पेज का स्टेटस क्या है। मैडम, इसको F7 करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम इसको कंट्रोल एस कर देंगे और फिर हम इसको अपनी फाइल में सेव कर लेंगे, और जब हम मर्ज़ी इसको सेव करके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बताया था फाइल में जाके ये प्रिंट का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अगर शॉर्टकट की जो है इसकी कंट्रोल पी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए अगले लेक्चर में, फिर मिलेंगे बाकी टूल्स की ट्रेनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।